मेरे लिए बहुत भावुक कर देने वाला क्षण है। बचपन से जब भी ये नाम सुना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मैं किसी भी स्थिति में रहा, परिस्थिति में रहा, ये नाम कान में पड़ते ही एक नई ऊर्जा से भर गया। नेताजी को प्रधानमंत्री मोदी का अनन्य श्रद्धांजलि। देशर वीरपुत्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस 125वीं जयंती देशवासी को उद्बोधन देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेताजी मटीर मोदी कहते नेताजी बलिदान कहना। आज के ही दिन माँ भारती की गोद में उस वीर सपूत ने जन्म लिया था, जिसने आजाद भारत के सपने को नई दिशा दी थी। आज के ही दिन गुलामी के अंधेरे में वो चेतना फूटी थी, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता के सामने खड़े होकर कहा था, मैं तुमसे आजादी मांगूंगा नहीं, आजादी छीन लूंगा। आज के दिन सिर्फ नेताजी सुभाष का जन्म ही नहीं हुआ था, बल्कि आज भारत के नए आत्मगौरव का जन्म हुआ था, भारत के नए सैन्य कौशल का जन्म हुआ था। मैं आज नेताजी की 125वीं जन्म जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से इस महापुरुष को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, उन्हें सैल्यूट करता हूं। देशवासी को आह्वान दे मोदी कहते 123 कोटि भारतीय नेताजी को बलिदान ऋणी देश को नुआ दिग दे सुभाष नेतृत्व में एक शक्तिशाली भारत रचना आरंभ होता। दासोत्तर अंधकार मुक्त हो आत्मनिर्भर होवार आह्वान दे। मैं आज बालक सुभाष को नेताजी बनाने वाली, उनके जीवन को तप, त्याग और तितिक्षा से घड़ने वाली बंगाल की इस पुण्य भूमि को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। गुरुदेव श्री रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चंद्र जैसे महापुरुषों ने इस पुण्य भूमि को राष्ट्रभक्ति की भावना से भरा है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, श्री अरविंदो, मां शारदा, मां आनंदमयी, स्वामी विवेकानंद, श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जैसे संतों ने इस पुण्य भूमि को वैराग्य, सेवा और अध्यात्म से अलौकिक। कोलकाता विक्टोरिया मेमोरियल रे आयोजित नेताजी जयंती कार्यक्रम में प्रधानमंत्री पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उपस्थित रहते। कार्यक्रम में देशर नामी दामी कलाकार माने संगीत परिवेशन करिबा परे नेताजी अदम्य साहस स्मृति को मने पकाइबा पई लेजर शो रो आयोजन करा जाइतला। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।